अय्या आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग मेरे पास में आते हैं मानसिक बीमारियाँ लेके, शारीरिक बीमारियाँ लेके, और शरीर की बीमारियाँ कुछ निकलता नहीं है, और निकलता नहीं इसका मतलब सब तरह की टेस्ट हो जाती है, उसमें कुछ खराबी दिखती नहीं, मगर बीमारी शरीर की है, जिसमें शरीर की बीमारियाँ भी निकलती है, जैसा कैंसर है फॉर एग्जाम्पल। अब कैंसर जैसी बीमारी जो है वो काफ़ी सारा दिमाग में यदि असंतोष है, मतलब गुस्सा है, इरिटेबिलिटी है या दुख है, वो लोगों को कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब शारीरिक बीमारी है। उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। जिनको जो लोग सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करते रहते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करना, या अदर क्रिटिसिज्म मतलब अदर्स को क्रिटिसाइज करते, लोगों को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, तो उनको आर्थराइटिस जैसी बीमारियां काफी दिखाई देती है। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द। कुछ लोग जो है कि जो मतलब जिनको बहुत पीड़ा होती है, दर्द है शरीर में, बहुत दर्द देते हैं, और कुछ समझता नहीं कि भी क्या हो गया है, दर्द क्यों है, लाइक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या पेन डिसऑर्डर है, ऐसी जो बीमारियां हैं कि जिसमें, या सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो है, साइकेट्रिक बीमारियां जो मेरे अन्य वीडियो में आई हुई है, तो उनमें ये पाया गया है कि ये लोगों को सजा, खुद को सजा देने की इच्छा रहती है। और खुद को सजा क्यों देने की इच्छा होती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि मैंने अपराध किया है या पाप किया है, तो जब अपराधीपन की भावना है या पाप किया है मैंने ऐसी भावना या ऐसे विचार है जब मन में, तो उनको पीड़ा वाली बीमारियाँ बहुत होती है, पेन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो लोगों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो लोगों को कभी सारा टेंशन है या भय है, और अननोन डर है, बहुत डर है, समझता नहीं कि क्या हो रहा है, डर मतलब अटैक आ जाएगा इसका डर, कुछ नुकसान हो जाएगा इसका डर, धंधा नहीं चलेगा इसका डर, कोई कुछ बोल देगा इसका डर, हरदम वो टेंस, एंग्शियस, ऐसे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तो उनको ज़्यादातर ये गंजापन आता है, या उनको पेट के अल्सर होते हैं, या काफ़ी सारी मानसिक या शारीरिक बीमारियां हो सकती है। तो जब हम साइकोथेरेपी करते हैं या मानसोपचार करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें ये जो चीज़ें हैं, अलग 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 भावनाएं या विचार दिमाग में चलते हैं, उसमें से कौन से प्रभावी है, और वो सोर्स जो है, वो जो मूल है, वहाँ हैमर करना पड़ता है। उसका कारण क्या, मतलब इधर समझो कैंसर है तो कैंसर की भी दवाई देना है, ऐसा नहीं कि कैंसर की दवाई देना नहीं है, और उसके साथ साथ कभी कभी कैंसर की दवाई लागू होती नहीं है या अच्छा प्रभाव करती नहीं है, तो ये भी देखना पड़ता है कि भाई अंदर सोर्स में क्या चल रहा है, सोर्स में गुस्सा है क्या, असंतोष है क्या, जिसकी वजह से कैंसर ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम जब देखते हैं तो काउंसलिंग में इसका काफ़ी सारा फायदा होता है। काउंसलिंग में लोगों का डिप्रेशन या लोगों का जो बॉडीली डिसऑर्डर्स है, या बॉडीली पेन डिसऑर्डर है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, मैनिया है, या अन्य कोई एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स है, तो इसके सोर्स में जाने के लिए बहुत काम में आता है कि दिमाग में विचार कौन से और भावनाएं कौन सी। वहाँ यदि हम आप हैमर करते हो, डेफिनेटली ये जो बाकी जो बीमारियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।